इस साल के अंत में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गंगाजल की एंट्री हो गई है। कांग्रेस अब घर घर जाकर कमलनाथ के 11 वचनों के साथ गंगाजल बांटेगी। वहीं सीएम शिवराज ने इसे गंगाजल की झूठी कसम बताया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला गंगाजल अब पॉलिटिक्स के दंगल में उतरा है। कमलनाथ के 11 वचनों वाले स्टिकर लिखी इस गंगाजल की बोतल को घर घर पहुंचाकर कांग्रेस हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग का कहना है कि कांग्रेस घर घर गंगाजल बांटने की शुरुआत इंदौर से करेगी। इंदौर की 9 विधानसभाओं में करीब 1,00,000 घरों में ये गंगाजल पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि जैसे गंगाजल पवित्र है, वैसे ही कमलनाथ के वचन भी पवित्र हैं, जिन्हें पूरा किया जाएगा। इसलिए कमलनाथ के 11 वचनों वाला पोस्टर और गंगाजल घर घर पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस गंगाजल को घर घर पहुंचाने के मकसद लेकर चल रही है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रभारी हिमांशु यादव इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गंगाजल के संकल्प के साथ कि कांग्रेस सरकार बनने पर अपने वचनों को निभाएगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।